भारतीय तंत्र होता तो भारतीय तंत्र हमेशा से एक सिद्धांत पर काम करता आया है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हुआ, उसका नाम था चाणक्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि चाणक्य भी एक अर्थशास्त्री था। दुर्भाग्य क्या है कि हमारे अर्थशास्त्र की किताबों में चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ाया ही नहीं जाता। दुनिया जहान के तमाम अर्थशास्त्रियों को तो हम पढ़ते हैं, इसलत ने क्या कहा, स्टीवेंसन ने क्या कहा, उसने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, दिमाग ने क्या, जिससे हमको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन मेरे देश में जो सबसे बड़ा अर्थशास्त्री हुआ चाणक्य, उसी को नहीं पढ़ाते आपकी विश्वविद्यालय की शिक्षा में। माने गुलामी की शिक्षा है। चाणक्य जानते हैं क्या कहता था? एक बार चंद्रगुप्त और चाणक्य का झगड़ा हुआ। चाणक्य प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त राजा था। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य का झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात का हुआ? चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि मुझे टैक्स कलेक्शन बढ़ाना, रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करना। क्यों? पूछा उसने कि मुझे समाज सेवा के काम करने हैं। तो चाणक्य ने कहा कि समाज सेवा के काम तुम मत करो, इसके लिए समाज के लोग बहुत हैं, वो कर लेंगे। कहने लगा नहीं नहीं, मुझे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना ही बढ़ाना है ताकि राज्य के लिए कुछ ज्यादा पैसा मेरे पास बच सके। तो चाणक्य ने उससे कहा कि तुम रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाओ, तुम्हारे मन में योजना क्या है? कहने लगा मैं टैक्स बढ़ाना चाहता हूं। तो उसने कहा कि कभी गलती मत करना। तो उसने पूछा क्यों? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जो जवाब दिया है वो सबसे बड़ा अर्थशास्त्र है। वो कह रहा है कि किसी भी समाज में कुल उत्पादन का 5% से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। 5% तो मैक्सिमम लिमिट है। और इस समय वो बात कर रहा है चंद्रगुप्त से, तो कह रहा है कि इस समय हमारे राज्य में टोटल उत्पादन का 5% कर लग रहा है ऑलरेडी, इससे ज्यादा कर नहीं होना चाहिए। तो उसने पूछा कि फिर ये हमारा टैक्स का कलेक्शन कैसे बढ़ेगा? तो कह रहा है कि तुम राज्य का वातावरण ऐसा बनाओ कि व्यापार दोगुना हो जाए तो तुम्हारा टैक्स कलेक्शन दोगुना हो जाएगा। माने तुम व्यापार इतना बढ़ाओ कि वो अभी जो व्यापार चल रहा है उसका दोगुना हो जाए तो तुम्हारा टैक्स कलेक्शन दोगुना हो जाएगा। टैक्स की दर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और वो चेतावनी दे रहा है कि ये गलती मत करना। चंद्रगुप्त ने वही किया। और चंद्रगुप्त ने जो किया उसको भारतीय इतिहास में कहते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था, हमारा स्वर्ण युग था। क्यों? क्योंकि वही एक जमाना था जिस जमाने में टैक्स सबसे कम लगता था। और ये जो चाणक्य की फिलॉसफी है कि टैक्स की रेट जितनी कम से कम होगी टैक्स कलेक्शन उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा, ये भारत सरकार ने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि भारत सरकार स्वदेशी है नहीं, ये शरीर से दिखने में स्वदेशी है, इसमें काम करने वाले लोगों की आत्मा विदेशी है। अगर उनकी आत्मा देशी होती तो चाणक्य की इस फिलॉसफी को कब का इस देश में लागू किया गया होता। हमारे देश में एक ही नेता हुआ जिसने चाणक्य की इस आर्थिक फिलॉसफी को पूरी हिम्मत के साथ लागू करने की कोशिश की, शायद उसका नाम आप नहीं जानते होंगे। वो व्यक्ति था गुलाम बख्शी, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ। तो जब गुलाम बख्शी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को उसने पढ़ रखा था। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद उसने फैसला किया, चीफ मिनिस्टर बन गया उसके तुरंत बाद उसने फैसला किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में टैक्स की रिडक्शन करनी, टैक्स की दर कम करनी। और कितनी कम करनी है? उसने कहा मैक्सिमम 10%, इसके ऊपर नहीं जाना। तो हंगामा मच गया पूरे देश में। क्या हंगामा मच गया? बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने यह चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह जम्मू कश्मीर को डुबो देगा, टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा, और टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा तो सरकार नहीं चलेगी, राज्य नहीं चलेगा, राज्य के कामकाज नहीं चलेंगे, वगैरह वगैरह। पूरे देश में बहस चलने लगी। गुलाम बख्शी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हो गया हूं, मैं ये करूंगा, और अगर चाणक्य यह कहता था तो एक बार करके तो देखूं, हो सकता है परिणाम निकल आए उसमें से। तो उस आदमी ने हिम्मत की और उसने टैक्स कम करते 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 कहां तक ले गया? 10% पे ले गया। और उसने कहा एक साल तक मैं यही चलाऊंगा। एक साल उसने चलाया। एक साल के बाद नतीजा जानते हैं क्या निकला? एक साल पहले जम्मू कश्मीर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था, जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन था, उसका 300 गुना ज्यादा दूसरे साल में कलेक्ट हुआ। माने जैसे ही उसने टैक्स की दर कम की, टैक्स का कलेक्शन उसका 300 गुना बढ़ा और सारे देश को उसने चुप करा दिया उस एक व्यक्ति ने। और यह बात हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए थी। अंग्रेज चले गए
अंग्रेजों की टैक्सेशन की व्यवस्था खत्म होने के बाद अगर हिंदुस्तानी टैक्सेशन की व्यवस्था कोई आनी चाहिए थी तो वो ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए थी जिसमें कम से कम टैक्स लगे लोगों के ऊपर और लोगों को छोड़ा जाए, मुक्त किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ उल्टा, अंग्रेजों ने जितने टैक्स लगाए उतने ही टैक्स आज आपके ऊपर लगे हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। कभी कभी एक बार मैं कैलकुलेशन करता हूं, अगर साधारण रूप से आप सारे कानूनों का पालन करें, हर कानून का पालन करना योग्य था, क्यों? क्योंकि वही एक जमाना था जिस जमाने में टैक्स सबसे कम लगता था। और ये जो चाणक्य की फिलॉसफी है कि टैक्स की रेट जितनी कम से कम होगी टैक्स कलेक्शन उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा, ये भारत सरकार ने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि भारत सरकार स्वदेशी है नहीं। ये शरीर से दिखने में स्वदेशी है, इसमें काम करने वाले लोगों की आत्मा विदेशी है। अगर उनकी आत्मा देशी होती तो चाणक्य की इस फिलॉसफी को कब का इस देश में लागू किया गया होता। हमारे देश में एक ही नेता हुआ जिसने चाणक्य की इस आर्थिक फिलॉसफी को पूरी हिम्मत के साथ लागू करने की कोशिश की, शायद उसका नाम आप नहीं जानते होंगे। वो व्यक्ति था गुलाम बख्शी, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ। तो जब गुलाम बख्शी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को उसने पढ़ रखा था। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद उसने फैसला किया, चीफ मिनिस्टर बन गया उसके तुरंत बाद उसने फैसला किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में टैक्स की रिडक्शन करनी, टैक्स की दर कम करनी। और कितनी कम करनी है? उसने कहा मैक्सिमम 10%, इसके ऊपर नहीं जाना। तो हंगामा मच गया पूरे देश में। क्या हंगामा मच गया? बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने यह चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह जम्मू कश्मीर को डुबो देगा, टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा, और टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा तो सरकार नहीं चलेगी, राज्य नहीं चलेगा, राज्य के कामकाज नहीं चलेंगे, वगैरह वगैरह। पूरे देश में बहस चलने लगी। गुलाम बख्शी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हो गया हूं, मैं ये करूंगा, और अगर चाणक्य यह कहता था तो एक बार करके तो देखूं, हो सकता है परिणाम निकल आए उसमें से। तो उस आदमी ने हिम्मत की और उसने टैक्स कम करते 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 कहां तक ले गया, 10% पे ले गया। और उसने कहा एक साल तक मैं यही चलाऊंगा। एक साल उसने चलाया, एक साल के बाद नतीजा जानते हैं क्या निकला? एक साल पहले जम्मू कश्मीर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था, जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन था, उसका 300 गुना ज्यादा दूसरे साल में कलेक्ट हुआ। माने जैसे ही उसने टैक्स की दर कम की, टैक्स का कलेक्शन उसका 300 गुना बढ़ा और सारे देश को उसने चुप करा दिया उस एक व्यक्ति ने। और यह बात हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए थी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की टैक्सेशन की व्यवस्था खत्म होने के बाद अगर हिंदुस्तानी टैक्सेशन की व्यवस्था कोई आनी चाहिए थी तो वो ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए थी जिसमें कम से कम टैक्स लगे लोगों के ऊपर और लोगों को छोड़ा जाए, मुक्त किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ उल्टा, अंग्रेजों ने जितने टैक्स लगाए उतने ही टैक्स आज आपके ऊपर लगे हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।